हे गाइस, वेलकम टू मूवीज कनेक्शन, जहां आज मैंने देखी नेटफ्लिक्स की ब्रांड न्यू सीरीज क्लियो, जो कि एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है। बाकी सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा सब जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। जिसकी सबसे पहले कहानी पर आऊं तो कहानी फॉलो करती है क्लियो को, जो कि एक जीडीआर स्पाई किलर है, पर एक किलिंग के चलते पकड़ी जाती है और करीब 2 साल की जेल के बाद स्टार्ट करती है बदला लेना उन लोगों से जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश की थी। जिसमें वो कामयाब हो पाती है या नहीं, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी ब्रांड न्यू सीरीज क्लियो, जो कि बेस है ट्रू स्टोरी पर, जिसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। बाकी एपिसोड्स की गिनती 8 है और लेंथ लगभग 1 घंटे की, यानी सीरीज को देखने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम देना होगा। जो अब ये सीरीज डिजर्व करती भी है या नहीं, चलिए जानते हैं। सीरीज हमें ले जाती है 80s के दौर में, पर शो कई सारी चीजों में 70s वाला फील देता है, जहाँ हम क्लियो को देखते हैं जो कि एक स्पाई किलर है, डेडली है और साइको भी। सीरीज ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है क्लियो के कैरेक्टर को दिखाने में, उसके पागलपन को दिखाने में और हाँ, किलिंग्स को भी। वही ये एक एक्शन ड्रिवन ड्रामा जरूर है, पर इसे मिस्ट्री और ड्रामा को ध्यान में रखकर ही देखेगा, क्योंकि सीरीज में एक्शन लिमिटेड है, जो कुछ जगहों पे बवाल है तो वही कुछ जगहों पे ठीक ठाक। बाकी बिना कुछ भी स्पॉइल के और डिटेल्स दूं तो शो का हर एक एपिसोड अलग है, कुछ अलग करता है या फिर कहूँ दिखाता है, जिसके चलते सीरीज कंटिन्यूएशन के साथ चल रही है, ऐसा फील नहीं होता। बाकी कई सारी चीजों को सीरीज में हद से ज्यादा खींचा गया है। वही एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है, खास करके जैला हासे, जिन्होंने क्लियो के कैरेक्टर के पागलपन, डेडलीनेस और फनी अवतार स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे से दिखाया है। वही वेन का कैरेक्टर मुझे पसंद आया, जो कि फनी है और कॉमेडी के लिए ही कहीं ना कहीं सीरीज में है। बाकी कॉमेडी के लिए सीरीज में थिलो का कैरेक्टर भी है, जो कि अगेन फनी है और थोड़ा अजीब। वही सीरीज में डार्क कॉमेडी है, जो कुछ जगहों पर काम आती है पर कई बार उतनी नहीं। बाकी अदर एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो वही डेवलपमेंट के लिए एक पूरा का पूरा एपिसोड फ्लैशबैक है। बाकी शो का डायरेक्शन अच्छा है, पर बीजीएम ठीक ठाक है और वहीं एडिटिंग कहीं ना कहीं वीक पॉइंट बनती है, क्योंकि लेंथ फील होती है, जिसका रीजन है शो का स्लो बर्न होना, तो वहीं ड्रामा शो का मेन फोकस था। बाकी सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है और एक्शन भी, जो कम ही सही पर सीरीज में काफी अच्छे हैं। तो ओवरऑल मेरी नजर में क्लियो एक काफी अच्छी सीरीज है, जिसे आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, पर अपनी फैमिली के साथ नहीं। नेटफ्लिक्स की सीरीज क्लियो को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स। तो गाइज, ये था सीरीज क्लियो को लेकर मेरा रिव्यू, जिससे अगर आपने देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और इसी के साथ खत्म होता है ये रिव्यू। जो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।